विकास बगैर इंसानियत को बचाए कैसे हो सकता? विकास नफरत के रास्ते से कैसे हो सकता? विकास उन्माद के रास्ते से कैसे हो सकता? विकास हिंसा के रास्ते से कैसे हो सकता? विकास बलात्कार के रास्ते से कैसे हो सकता? विकास अपराध, माफिया, दलाल और बिचौलिया और नेता पदाधिकारी के नेक्सस और मिलीभगत से कैसे हो सकता? मेरा सबसे पहला सवाल नीतीश कुमार से। छात्राओं के साथ किसी मतलब साल की लड़की के साथ हुआ था, अभी तक वो टीचर गिरफ्तार नहीं हुई। कहां वो नेपाल और दुनिया में भाग गया। हमने तो कहा मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले को जो गोली मार के आएगा उसको 5 लाख सीधा शूट एंड साइड करो, 5 लाख रुपया पप्पू यादव प्रशासन के द्वारा या आम लोग भी जी। बलात्कारियों को जो भी मार के आएगा पप्पू यादव से 5 लाख रुपया, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कंप्रोमाइज। कानून को हाथ में ही लेना क्यों नहीं पड़े? बलात्कारियों के सवाल पर लोकतंत्र को बचाने के लिए जब सरकार नेता खुद बलात्कारी हो जाए, मी टू एक भी नीचे से ऊपर तक कोई है जिसने छेड़ा नहीं होगा लड़कियों को या बच्चों को? एमजे अकबर हो या शाहनवाज का तो नाम आया, या स्कॉट पॉच फिल्म स्टार का कोई नेता है? यदि हम 1% को छोड़ दें जो कोई ऐसा व्यवस्था और संस्था है जहां लड़कियों को छेड़ा नहीं गया हो, कोई बचेंगे? तो जब नेता और सरकार इन्वॉल्व हो और पदाधिकारी इन्वॉल्व हो तो बलात्कारी और गैंग रेपिस्ट को कौन पकड़ेगा? कोई कंप्रोमाइज नहीं है पप्पू यादव। रंगे हाथ बलात्कारी को पकड़ो और मारो, या यदि सच में मासूम बच्ची के साथ घिनौना खेल खेला है और वो सच हो तो उसको मारो, क्योंकि कानून बलात्कारियों को सपोर्ट करता है, कानून बिचौलिया और माफिया, दलाल और अपराधी को सपोर्ट करता है। बिहार में 3 तरह के साम्राज्य कायम है। फर्स्ट है जमीन का माफिया, जब सारा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर जीडीपी खत्म हो गया बिहार की, फार्मिंग, बेरोजगारी, तो जमीन की दलाली प्रकाष्ठा पर शुरू, और उस जमीन की दलाली में दलाल, अपराधी, पदाधिकारी, नेता और पूंजीपति का हाथ, 5 आदमी से एक शहर की जमीन की दलाली चलती है, 5 आदमी। अब जमीन की दलाल अमन और इंसानियत को के लिए खतरा बन चुका है, शहर में, ब्लॉक में, जहां देखिए जमीन की दलाली शुरू है और उसमें नेताओं का पैसा इन्वॉल्व है, तो फिर अपराध कौन रोक देगा? दूसरा बालू माफिया, फोकलैंड, हैबा, इंस्पेक्टर का फोकलैंड और डीएसपी का हैबा, और बालू के टेंडर में 60-65% नेताओं का पैसा, तब तो बालू माफिया पुलिस पर हमला करता है। इतने बड़े बड़े केस होते हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों, आज तक बालू माफिया के खिलाफ सत्ता पक्ष और विपक्ष को कभी बोलते देखे? क्योंकि दोनों का पैसा बालू माफिया के साथ लगा और दोनों बालू माफिया को शेल्टर देते, या बालू माफिया औरत भी पहुंचाता है नेताओं को
और माल भी पहुंचाता है नेता, दोनों। नेता माल और औरत के बगैर जी सकता है? मेरी चुनौती है नेताओं को।